तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर धनोज कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है डॉक्टर धनोज सर आपका। विपिन खन्ना है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। इसके साथ ही संदीप दुबे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तो सबसे पहले विपिन जी आप ही के पास आना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई सर आपको, जीत हुई है आपकी, बड़ी जीत, 131 सीटों से ज्यादा फिलहाल आप जीत रहे हैं दिल्ली में। क्या कहेंगे इस इतनी बड़ी जीत के मौके पर, खुशी के मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को इस जीत की सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा जी। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उनकी मेहनत की आज जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था, जो भ्रष्टाचार था, जो दिल्ली को इन्होंने कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ था, आज जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। देखिए, आपको पता होगा कि ये लोग लगातार चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जहां तक कि उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने लगातार इनको षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास किया। तो आज जनता ने ये बता दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आप लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की आप सरकार चलाते हैं, बेगुनाह लोगों को आप, निर्दोष लोगों को आप झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। तो आज दिल्ली की जनता ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि दिल्ली की जनता को काम की राजनीति चाहिए, दिल्ली की जनता को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, दिल्ली की जनता ठीक है, दिल्ली की जनता को काम की राजनीति चाहिए। एक बड़ी जीत मानते हैं आप, 134 सीटों से ज्यादा अंतर से आप लगातार इसमें जीत रहे हैं। संदीप दुबे आपके पास आना चाहूंगा सर, आपसे सवाल यही कि आप ही तय कीजिए किसकी जीत हुई, दरबारे तिहाड़ या फिर कूड़े का पहाड़। मुझे लगता है कि देखिए, जनता की जीत होती है और हम सब लोग बड़े घमंड में रहते हैं अभी, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं मान रहे हैं कि बीजेपी घमंड में रह रही है, रहती थी, रह रही थी अब तक। तो हम सब लोग इसीलिए मैंने सहयोग किया कि आदमी सत्ता लपेट दिया और बचा नहीं पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं विषय रखना चाहता हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि देखिए, दिल्ली की जनता ने दोनों पार्टियों को दिया, दोनों पार्टियों को दिल में बसा के रखा है। ये है कि आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें जरूर मिली हैं, तो जरूरी ये है कि अब दिल्ली में चाहे मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं मेरे पार्टी के या आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वहां तो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि का समूह चेयरमैन नहीं चुनता, वहां सभी जीते हुए जितने आए हुए प्रतिनिधि होंगे वो अपना चेयरमैन चुनेंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो और वो व्यक्ति जो एमसीडी मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, चेयरमैन चुनाव होगा तो बढ़ाने का काम करे। आपने चेयरमैन चुनाव के बारे में कुछ कहा, चेयरमैन कौन चुनेगा सर? चेयरमैन जो प्रतिनिधि जीत के आए वो चुनेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम वहाँ नहीं होता, 200 मेजोरिटी लागू नहीं होती जो ये चुनाव है, ये राजनीतिक पार्टियों का ये सारी गुणागणित लोकसभा और विधानसभा में लागू होती। तो अब इसको राजनीति से परे छोड़ दिया जाए। चेयरमैन तो फिर आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा है तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, जाहिर सी बात है। सर अब ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की नहीं है, जो जीते हुए उम्मीदवार जाएंगे वो अपना चेयरमैन। आप चिंता बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, बयान देखिए आप कब्जा करोगे, चिंता बढ़ा रहे हैं आप संदीप दुबे, चिंता बढ़ा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे क्या? नहीं, चिंता मेरी नहीं है, चिंता तो जिसको हो वो ठीक है, मैं जो बात करूं मेरी बात 2 मिनट की सुन लीजिए, आप साहब को सुने थे। देखिए, दूसरी बात ये है कि दिल्ली की एक और इतिहास रही है, उसको मैं सहज स्वीकार करता हूँ और धनोज जी भी शायद स्वीकार करेंगे। जब हमारी सरकार पहले बीजेपी की होती थी, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली की एमसीडी में शीला जी की एमसीडी थी। जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी आ गई। आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है, तो मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता अगली बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देगी और हमारा मुख्यमंत्री होगा। और ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत विश्वास आपने 4 तारीख से पहले और 4 तारीख को 4 दिसंबर को भी जताया था, लेकिन नतीजा क्या निकला वो पूरा देश ने देख लिया। ये ठीक नतीजे है। और अच्छे होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ठीक है सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, हालांकि अब तो बहुत दूर है, वो जब आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर धनोज सर, बीजेपी ने सर पूरी ताकत लगा दी थी, नाक का सवाल बन गया था, छोटा सा एक शहर का चुनाव, एमसीडी चुनाव, तमाम दिग्गज उतरे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए और गृहमंत्री अमित शाह नहीं आए, बाकी कोई ऐसा बचा नहीं हो जो शायद नहीं आया हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई बड़े बड़े दिग्गज आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन
जो एमसीडी था बीजेपी से खींच लिया आम आदमी पार्टी ने, क्या कमी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आम आदमी पार्टी को रिझाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए काम किया आम आदमी पार्टी का? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आज बधाई देता हूं और दो लाइन से शुरुआत करता हूं। कड़ी मशक्कत के बाद जीत मिली है धनोज। इरशाद, कड़ी मशक्कत के बाद जीत मिली है धनोज, कांटो भरा रास्ता पर चलना है। आज कह भी दिया था अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी देर पहले। सुनिए ना, सुनिए, समय का सदुपयोग कर लेते हम लोग। जी सर, देखिए ये जीत को, ये जो एमसीडी का चुनाव है, ये कई मैसेज भी दिया है। हाँ, अब आपको मैसेज गिनाता हूँ। मनीष सिसोदिया के 4 वार्ड में 3 सीट हार गए, सत्येंद्र जैन के सारे सीट हार गए। आपको मैसेज बता रहा हूँ, अमानतुल्ला खान के इलाके में सारे सीट हार गए, और बीजेपी के आदेश गुप्ता के क्षेत्र में बीजेपी सारे सीट हार गए। आम आदमी पार्टी का दिग्गज नेता के एरिया में आम आदमी पार्टी हार गया, और जो इल्जाम सत्येंद्र जैन पर लगता था उसके इलाके में सब हार गए। एक मैसेज भी केजरीवाल को कि केजरीवाल मेयर को बाद में बनाना, सबसे पहले तुरंत उसको मंत्री पद से हटाओ, तुरंत उसको सस्पेंड करो, हटाओ, ये मैसेज भी है। अब आ जाइए दिल्ली का, ये बहुत बोलते थे कूड़ा 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 कूड़ा, ये बीजेपी की भाषा जरा आवाज क्यों बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं बीजेपी की भाषा कभी नहीं बोलता हूँ। बीजेपी भी तो कहती है कि सत्येंद्र कुमार को हटाइए। मैं तो सच्चाई बोलता हूँ। चलिए ठीक, अब केजरीवाल साहब ये 3 पहाड़ को लेकर जाएंगे कहाँ? दिल्ली वाले ने तो कह दिया, भैया हम तो आपको बिठा दिए, बड़ा बेटा तो आप बने हो, तो बड़ा बेटा बने हो तो अब दिल्ली को संभालो। अब देखना ये है, मैंने इसलिए कहा कांटो भरा रास्ता पर चलना होगा, कि एक बात केजरीवाल कहते थे एलजी को लेके कि हम ये काम करने नहीं दे रहा, अभी देखिए 104 सीट है बीजेपी का। अब आप सोच लीजिए, आपको गामा पहलवान से पाला पड़ा है, अब आप क्या करेंगे? तो ये सब चीज हो, लेकिन एक अच्छी बात है कि भाजपा, आपने कहा मोदी जी नहीं आए, हाँ, तो ये एहसान मानिए, हाँ, क्योंकि मोदी जी आते तो मुझे लगता जीत जाते, हाँ, तो ये भाजपा की हार है कि मोदी जी को नहीं लाए। इनको लाना चाहिए था, मोदी जी को उतारना चाहिए था। जब मुख्यमंत्री को उतार दिया तो प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ दिए? तो जो प्रधानमंत्री के जो चहेते थे वो लोग नाराज हो गए इनसे, वो वोट भी इनको ट्रांसफर हो गया इधर। तो देखना ये है, मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट कि केजरीवाल साहब ये तो नहीं कहेंगे अब कि एमसीडी में बीजेपी है, अब तो वो एमसीडी में आ गए। और रह गई मेयर बनने की कुछ प्रक्रिया होती है, जिसको संदीप, एडवोकेट संदीप दुबे जी कह रहे थे, वो मेयर का। लेकिन अब ये कहेंगे अब तो सरकार भी एमसीडी में भी केजरीवाल की हो जाएगी, दिल्ली सरकार तो केजरीवाल की है, लेकिन फिर ये कहेंगे कि एलजी काम करने नहीं दे रहे। हाँ वही कहेंगे अब मोदी जी को हटाओ तब हम काम करेंगे। तो यानी कि केंद्र पे भी कब्जा करने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, ठीक है ये भी सवाल पूछ लेंगे। केजरीवाल जी है जनाब, दो बार यूपीएससी किया है, आईआईटी किया है, अन्ना हजारे के साथ वो रहे हैं, किताब लिखा है। हाँ, आप उनके जरा सोचिए ना, जो कसम खाकर कसम तोड़ देते हैं, जो बिजली की तार काट देते, जेल में होना चाहिए इनको, केजरीवाल साहब को जेल में होना चाहिए। लेकिन शीला दीक्षित ने एहसान किया, कहीं भी कानून को। तो केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया? आप अरविंद केजरीवाल पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? केजरीवाल जी तेल बिजली का तार काटा था ना। कौन सा तार काट दिया था? तार काटा। आप रिकॉर्डिंग करने गए थे कैमरा लेके? हाँ, मैं तो पत्रकार कर ही लेता हूँ रिकॉर्डिंग। तो ये तो कानून का व्यवस्था है, जिनको जेल में होना चाहिए, मुख्यमंत्री है वो मेयर बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज कांग्रेस देखिए कहाँ है। ठीक है, खुश है क्योंकि उसकी सारा मतदाता जो पहले कह दिया था, ठीक है सर मैं तो जीत नहीं रहा हूँ, लेकिन भाजपा को भी जीतने मत देना, ठीक है। उनका ये विपिन करना, विपिन खन्ना, कांटो भरा ताजे बड़ा संभल के पहनना होगा इसको, क्योंकि रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद ये जीत मिली है। देखिए राजनीति में जब व्यक्ति किसी पद पे पहुंच जाता है तो वो कांटो भरा ताजी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो नगर निकाय, तो वो कांटो भरा ही होता है। हाँ, जब जनता की समस्याओं से किसी व्यक्ति को जूझना पड़ता है, जनप्रतिनिधि को जूझना पड़ता है, तो वो कांटो भरा ही ताज होता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है एक भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास भी, और ये अच्छी बात है, हम ये मानते हैं अच्छी बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो विपक्ष को पुरजोर तरीके से उसका विरोध करना नहीं, अब तो आपकी सरकार एमसीडी में भी हो जाएगी,
अब आपकी सरकार दिल्ली में तो पहले से है ही, राज्य सरकार स्टेट में, तो ऐसे में अब ये वाला रोना तो नहीं होगा कि एमसीडी हमारा नहीं, हम क्या करें, बताइए कैसे कूड़ा साफ करें, एमसीडी तो बीजेपी वालों का है, अब तो एमसीडी आम आदमी पार्टी वालों का होगा। और ये सबसे प्रमुख जो वादा किया था वो था विपिन खन्ना कूड़े का पहाड़ हटाना आम आदमी पार्टी के सामने, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? अभी मैं थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था, एक घंटे पहले लाइव आए थे वो हमारे चैनल पर भी, और उन्होंने कहा कि अब कूड़े कोई चुनौती है और इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, उन्होंने कहा महिलाओं की ड्यूटी लगेगी, आप लोगों की भी, बच्चों की भी, हमारी भी, मतलब समझा नहीं इस बयान के मायने क्या है, क्या करवाना चाह रहे हैं केजरीवाल? देखिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता होगा कि वो जिस चीज का टास्क ले लेते हैं उसको वो पूरा करते हैं। जब हमारी सरकार दिल्ली में पहली बार आई थी तो विपक्षी दलों ने कई बार कहा कि कैसे करेंगे आप, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, जो दिल्ली की इकॉनमी है उसको कैसे संभालेंगे, लेकिन वो सब करके दिखाया। दिल्ली की सरकार जब दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब दिल्ली में आई आम आदमी पार्टी की, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करके दिखाई, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करके दिखाई। तो आज ये चुनौती हमारे सामने है, दिल्ली को जो कूड़े का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है ये निश्चित रूप से जो है चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का सामना हम करेंगे। बिल्कुल रोड मैप उनके पास है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है वो बिना होमवर्क के कोई भी बात नहीं कहते, उन्होंने उस पर बिल्कुल होमवर्क किया होगा, इसी बेस पे उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और आप देखेंगे एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से आ जाएगी, आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा, तो इस चीज का निस्तारण, कूड़े के पहाड़ का निस्तारण निश्चित रूप से होगा। ठीक है डॉक्टर संदीप दुबे, क्या आप अब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी बड़ी हार हुई है, 15 साल से सर आप सत्ता पर काबिज थे, लगातार 3 टर्म आपकी सरकार बनी, लेकिन आप 15 साल में सर कूड़े का पहाड़ नहीं हटा पाए? अब वचन पत्र में घोषणाएं होती हैं, घोषणा पत्र में कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में हटा देंगे, 15 साल जनता ने आपको दिए सर, 15 साल बहुत ज्यादा समय होता है, 15 साल नहीं। सीएम जी देखिए 15 सालों में एमसीडी पहले 3 भागों में थी, आपको बताओ हमने एमसीडी का एकीकरण किया और एमसीडी आज सशक्त है, और अब तो एमसीडी का जो चेयरमैन होगा वो कट्टर ईमानदार होगा, तो 2 कट्टर ईमानदार एक स्टेट में होंगे, एक मुख्यमंत्री जी कट्टर ईमानदार और एक एमसीडी का चेयरमैन कट्टर ईमानदार, डबल इंजन के ईमानदार हो जाएंगे, कट्टर ईमानदार लोग उपयोग। दूसरी चेयरमैन थे वो ईमानदार नहीं थे, सुन लीजिए। तो अब विपिन खन्ना जी जो कह रहे हैं कि अरविंद भाई जो कहते हैं हमेशा वही करते हैं, मैं तो मानता हूं कि वो जो करते हैं उससे 5 कदम और आगे बढ़ के वो काम करते हैं। जैसे उन्होंने कहा लोकपाल ले आएंगे, लोकपाल 5 कदम आगे, देखिए 5 स्टेट में चला गया, पंजाब भी आ गया वहां नहीं आया, गुजरात में भी आया होगा वहां भी नहीं आएगा, जहां जहां गया वो जो बात दिल्ली में कहते हैं कि यमुना साफ कर देंगे, 10 साल पहले ही बोला, अभी भी वो साफ ही कर रहे हैं। तो अकेले कट्टर ईमानदार है, हर काम अकेले करेंगे, कूड़ा का पहाड़ तो अकेले हटा ही देंगे, उनके सारे कार्यकर्ता घर घर से जाके डस्टबिन और कूड़ा इकट्ठा करके और कूड़े के पहाड़ को भी ले जाके कहीं और बता देंगे, तो बहुत ज्यादा बदलाव दिल्ली में होगी। और मैं तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और कि उन लोगों में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, उनके नेता जो कहते हैं वो बाल्टी लेके उधर चले जाते हैं और वो काम कर देते, पूरा कर देते, मतलब 5000% काम, कोई तो 100% की गारंटी देता है, यहाँ आप 5000% की गारंटी लीजिए, आपका घर भी साफ हो जाएगा, आपके पास जो जेब होगा वो जेब तो साफ होगा ही, और आपको उल्टे में तो उपहार भी मिलेगा, बिजली फ्री मिल जाएगी, पानी फ्री पहुंच जाएगा, नाला में पानी जो बह रहा है वो पानी टंकी में क्या होते हैं आजकल कौन सा वहां बाथटब बनता है, तो बाथटब के आगे स्विमिंग पूल भी बनेगा, चमत्कार देख देखिए ये लोग, सब लोग तो चमत्कार तो आप कर देते हो, चमत्कार केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए हमने बिजली का दाम कम कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, तो चमत्कार तो आप भी कर सकते थे सर, चमत्कार के दूसरा स्वरूप ही है आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता तो और भी चमत्कारी है, क्योंकि कहीं कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं दिल्ली में, बिना पैसे का सारा काम होता है, पैसे की जरूरत ही नहीं है, लक्ष्मी का तो प्रत्यागी है आम आदमी पार्टी में, तो बहुत अच्छी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, और चुनने के बाद हम तो हैं, हम इनको वो हर काम इनसे करवाएंगे जो इन्होंने वादे। चलिए यही एक अच्छी बात है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है ना, विपक्ष की जो भूमिका होती है संदीप दुबे, वो आप निभाने में कामयाब हो जाए तो वाकई में दिल्ली का विकास और हो जाए, विपक्ष की जो भूमिका है उसे निभाने में आप कामयाब हो जाए तो दिल्ली का विकास और हो जाए, दिल्ली में 4 चांद लग जाए। संदीप दुबे मैं पूछ रहा हूँ, अब जो सत्येंद्र जैन के वीडियो आने बंद हो गए 4-5 दिन से, आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं? सत्येंद्र जैन जी जेल के मंत्री है शिवम भाई, जिस पहला ऐसा देश की सरकार है,
और पहले ऐसे मुख्यमंत्री देश में है कि उनके पास कोई विभाग नहीं है, विश्व में वो भी कीर्तिमान है, उस विभाग के मंत्री को उनके पास कोई विभाग नहीं। वैसे सत्येंद्र भाई जिस जेल के मंत्री उस जेल में है, तो अब जब एक एक दो बार आप किसी के साथ वीडियो ऑडियो बना सकते हैं, बार बार ये काम करने की अनुमति नहीं होती भाई शिवम भाई। तो आप ये समझिए कि अब और ज्यादा चमत्कार होगा और वो चमत्कार अब आगे आना। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ संदीप दुबे, जनता को भ्रमित, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह से झूठे आरोप गड़े जा रहे थे सत्येंद्र जैन पर, लेकिन अब वीडियो नहीं आ रहे सर, 5-6 दिन हो गए हैं। एक आध वीडियो निकालिए, सारी चीजें फौज होंगी वो, एक आध कर दीजिए आप। पार्टी के लोग 5000% सत्य बोलते हैं, अगर इसकी गारंटी कोई ये नहीं है तो हर आम आदमी कट्टर ईमानदार कार्यकर्ता। बीजेपी के लोग कितने सच बोलते हैं? सवाल ये है, सवाल ये है कि आपने एक स्टिंग भी किया था, आपने एक स्टिंग किया था आम आदमी पार्टी का, इसमें टिकट बंटवारे को लेकर कुछ पैसे के लेन देन की बात आ रही थी, समित पात्रा थे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सवाल ये है सर, एक सबसे बड़ा फेलियर ये है भारतीय जनता पार्टी का, संदीप दुबे, सबसे बड़ा फेलियर ये है भारतीय जनता पार्टी का कि आपने पूरी पूरी कोशिश की, पूरे तंत्र को लगा दिया। सोई सुबह प्रीवी खोलो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखती थी किसी भी बीजेपी के बड़े नेता की, और ये वीडियो चल रहा है सत्येंद्र जैन का गोल गोल घुमा घुमा के, लेकिन घुमा नहीं पाए जनता को, जनता सब समझती है कौन किसको घुमा रहा है। भाई देखिए, जनता तक सच्चाई जानी चाहिए, बाकी जनता की मर्जी, हम जनता को तो कुछ कह भी नहीं सकते, वो जनार्दन है, उसने जो भी फैसला लिया होगा वो हमारे लिए भी हितकर होगा। हमें अभी दुख लग रहा है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे दुख लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बढ़त होनी चाहिए, लेकिन उसको मैं हो सकता है कल आपको खुशी हो, कभी जनता हो सकता है कल का दिन आपके लिए खुशी का दिन हो, तो समझ के देती, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, और दिल्ली की जनता कट्टर ईमानदार जनता है, समझदार जनता है, तो उसने भी कट्टरता को परखने की अंतिम विकल्प की तैयारी करी हुई है, तो अब इसको तो सबको मिल गया। अरविंद केजरीवाल तो संदीप दुबे इतना खुश हो गए, अरविंद केजरीवाल तो संदीप दुबे इतना खुश हो गए कि अभी कार्यकर्ताओं से आई लव यू 2 बोल रहे थे वो। नहीं, अरविंद भाई सबसे प्यार करते हैं, वो अपने परिवार से भी उतना, भारतीय जनता पार्टी से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं, बीजेपी से भी बहुत प्यार करते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को कट्टर ईमानदार अपने तरह ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, बराबर रहती है, तो अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, और हम लोग तो इसलिए भी खुश हैं कि हम लोग एमसीडी में जो हमारे जीते हुए हैं जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब मिलकर कट्टर ईमानदार दिल्ली बनाने में अरविंद जी का पूरा साथ देंगे। एमसीडी कट्टर ईमानदार हो और कट्टर ईमानदारी से काम करे, और कूड़े का पहाड़ कम से कम खत्म हो जाए, ये ना हो कि यमुना जी साफ नहीं हुई, नाला साफ नहीं हुआ, छठ करने के लिए हमारी माँ बहनें निकलती हैं नालियों में, छठ 10 साल से कर रही हैं, वो भी कट्टर ईमानदार उनको बना दिया कि हम भविष्य में जरूर उनको पानी देंगे, तो अब लगता है ये सारी समस्या दिल्ली में दूर होने वाली है, और अगले साल ही कुछ ही पल से आप कट्टर ईमानदार सरकार की काम आप काज देखेंगे। ठीक है विपिन खन्ना, चिंता की लकीरें लगातार बढ़ा लीजिए, आप देखिए बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि 100 से ज्यादा उनके पास भी आंकड़ा है पार्षदों का, विपक्ष भी मजबूत है, और आपकी इधर एमसीडी पर सरकार बन गई, यानी कि आपने छोटी सी लापरवाही की, इधर से पिंच करना शुरू। निश्चित रूप से ये मैंने आपसे पहले ही कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अभी संदीप जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन उनके उनके मन का दुख है, ये मन की व्यथा है। हाँ। वो कह रहे थे कि अगली बार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए, ठीक है, दिन में सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली की जनता का दुख और दर्द जो समझ रहा है, दिल्ली की जनता उसको वोट कर रही है। अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, अभी हमारे मित्र संदीप जी ने कहा कि छठ पूजा पर जो महिलाएं थी वो नाली में खड़े होकर जो है छठ पूजा कर रही थी, तो दिल्ली एमसीडी आपके पास थी बंधु, यानी कि दिल्ली की नालियां गंदगी से ऐसी भरी हुई थी, ऐसी भरी हुई थी, जो डिक्शन है वो दिल्ली गवर्नमेंट की है, नाली का जो डिक्शन है उसके पास नहीं होता, तो जो डिक्शन को समझने ईमानदारी की बात, तो देखिए वादे, अभी आप कह रहे थे वादों पे तेरे मारा गया बंदा सीधा साधा, तो केंद्र सरकार ने बहुत वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर हर घर नौकरी देंगे, क्या हुआ, किसान का बुरा हाल, महिला का बुरा हाल, महंगाई से बुरा हाल, भ्रष्टाचार से बुरा हाल, एक भी वादा जरा बताइए कि कौन सा वादा अब तक आपकी केंद्र सरकार ने पूरा किया है, और आप लोकपाल की। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ विपिन खन्ना, विपिन भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तो सर गुजरात चुनाव भी हो गए, एमसीडी चुनाव भी हो गए, आपकी सरकार भी बन गई एमसीडी में, मतलब बनी जाएगी 2-4 दिन में, मेरा आपका आप चुन लेंगे, अब सत्येंद्र जैन कब तक जेल में रहेंगे, उन्हें निकाल लाइए, कुछ करिए।
देखिए तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी ना, ये तो मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डालने की तैयारी में थे, लेकिन उनके केजरीवाल तो कह रहे थे जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे जेल, कहाँ गए मनीष सिसोदिया? आपने भविष्यवाणी, आप पहले ही भविष्यवाणी करते थे, फिर बीजेपी सोचती है कि इन्होंने पहले ही बता दिया, जनता समझ जाएगी प्री प्लान था भारतीय जनता पार्टी का। संदीप भाई ने अभी कहा कट्टर ईमानदार, जो कट्टर ईमानदार होता है वो कट्टर बात करता है। मनीष अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन प्रेस करके कह दिया था कि इनको मनीष जी के घर से कुछ नहीं मिलेगा, ये मनीष जी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और चार्जशीट में नाम भी नहीं था मनीष सिसोदिया का जी। संदीप दुबे कुछ कर रही है अब तो सर, अब तो चुनाव हो गए। शिवम भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो तो पुलिस करेगी, अगर आज गलती से ये उल्टा फिगर होता 104 आप होती और 134 तो यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब बैठ के, और अभी कोई कहते कि बैलेट पेपर में गड़बड़ी हो गई है और कोई गड़बड़ी कर दी है और चुनाव में धनुष कुमार, तो ये गड़बड़ी वाला जो दिमाग है ना, गड़बड़ी तो भरा ताश तो पहली है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी का, गड़बड़ी जो है दिल्ली में ना दिखे, आपके पास आइए डॉक्टर धनुष कुमार, कांटो भरा ताज तो पहन लिया है जनता ने, पहना दिया एमसीडी का आम आदमी पार्टी को, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं, कूड़ों के पहाड़ के सामने एक चुनौतियों का भी पहाड़ है आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है सिमिलर। देखिए नो डाउट चुनौती बहुत है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि मैं दिल्ली में इतना बजट कर दिया उतना कर दिया, मैं देख रहा था ये देखिए 2021 से 2022 में आपको पता है डॉलर मतलब कितना कर्ज आपको मालूम है दिल्ली के ऊपर 2021-2022 मतलब 272,603 ऐसे बिलियन करके डॉलर के, 272 डॉलर मान लीजिए बिलियन है इसे कर्ज है, और उसके बाद 9,194 करोड़ यूएस डॉलर 1.2 बिलियन कर्ज है दिल्ली पे। लेकिन केजरीवाल जी ताल ठोक के बोलते हैं कि मैं बजट इतना बड़ा कर दिया दिल्ली को। देखिए जीत यहाँ क्या समझना पड़ेगा, मैंने क्या कहा पहले सत्र में कि सत्येंद्र जैन के इलाके में हार गए, इनको मैसेज जनता ने दिया कि एक समय होता कॉलेज में जो बच्चा कहता ना कि हम सब कुछ कर देंगे सब कुछ कर देंगे। चलिए वक्त बहुत कम है मेरे पास, बहुत शुक्रिया डॉक्टर धनुष कुमार आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। विभिन्न प्रवक्ता जुड़े थे, विभिन्न खन्ना आम आदमी पार्टी का आपका शुक्रिया विभिन्न, और संदीप दुबे थे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो आपका बहुत शुक्रिया।